हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हमारे पास आज एक MU फ़ोन जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअली माइक की है और कीपैड दोनों इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से माइक निकला हुआ, लेकिन यहाँ पे इसकी सप्लाई को चेक करने पे, जैसे कि हम बज़र पे अभी सप्लाई को चेक करेंगे। अरे यार, देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे इसको कॉल टेस्ट करेंगे। कॉल टेस्ट में मोबाइल बंद होता है तब हम कॉल टेस्ट करते हैं इसकी। तो हमको बजर मोड पे रखना है मीटर को, और उसके बाद में जो रेड जो सिरा है उसको हम ग्राउंड करेंगे और इसके दोनों सिरों पे सप्लाई को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सप्लाई दोनों सिरों पे नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी सप्लाई है वो ड्रॉप है। एक्चुअली ये मोबाइल किसी चीज़ के नीचे आ गया था, तो उसकी वजह से इसकी पैड ब्रेक हो जाने की कंडीशन में यहाँ पे नहीं आ रही। देखिए, एक बार फिर से चेक कराएंगे हम आपको, दोनों के दोनों पॉइंटों पे सप्लाई नहीं आ रही है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन बाय जम्पर करने वाले हैं। तो हम आपको बताते कि इसका जम्पर कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले हम मोबाइल को खोल लेते हैं। दोस्तों, हम इसका सॉल्यूशन जो आपको बताने वाले हैं वो दो तरीके से बताएंगे। इसका सॉल्यूशन, एक तो हमको मालूम है कि इसका जम्पर हमको कहाँ लगाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन और भी है जो हम आपको बताएंगे। पहले हम आप इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमको करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम उसके जम्पर आपको बता देते हैं कि इसकी सप्लाई एक्चुअली कहाँ से आ रही। ग्राउंड से हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डाइवर्ट लगे हुए हैं, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, जूम करके इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये देखिए, शायद इस पर सप्लाई आ रही है, लेकिन वो क्या है जूम करके बताने में आपको। तो ये जो पार्ट्स लगा हुआ, मैं आपको बिल्कुल करीब से बता देता हूँ। पहले इस पार्ट्स को, ये जो पार्ट्स लगा हुआ है, दोनों ही जम्पर आपको प्लस और माइनस की यहीं पे लगाने हैं। वो प्लस कौन सा माइनस कौन सा हम आपको बताते हैं, लेकिन आप ये पार्ट्स देख लीजिए जो लगा हुआ है। ये वाला पार्ट्स देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट्स लगा हुआ है दोनों सिरों पे, एक प्लस और दूसरे पे माइनस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो माइक होता है इसकी कंटिन्यूटी कहाँ से होती है। तो ये आपको बताता हूँ, ये माइनस की कंटिन्यूटी देखिए दोस्तों, ये इस पॉइंट होता है ना, यहाँ पे भी इसकी कंटिन्यूटी आती है। देखिए ये जो दिखे हुए है ना, और ये प्लस की कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है। लेकिन दूसरी ये बात ये है कि यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है। आप ये देखिए, सप्लाई यहाँ पे भी नहीं है। हम आपको सिर्फ कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि कभी यहाँ अगर प्रॉब्लम आ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर नहीं आती है तो इस कंडीशन में इसकी सप्लाई को हमको, ये जो पॉइंट हमने पहले आपको बताया था, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसके फर्स्ट सिरे वाला, जहाँ पे सप्लाई 900 के करीब आ रही है, ये देखिए 900 के करीब जो सप्लाई आ रही फर्स्ट पॉइंट पे, ये वाला आपका माइनस है, और ये वाला जहाँ पे 1100 के करीब आ रही है वो प्लस है। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे से जम्पर वायर लेके तो देखिए दोस्तों, हमने जो जम्पर लगाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने जम्पर लगाया है दोनों सिरों पे, ये इधर वाला प्लस और ये वाला माइनस है। पर इसको हमने लगा दिया यहाँ इसके प्लस माइनस पे। जो कंटिन्यूटी है हम आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मीटर है हमारा जो बजर मोड पे है, ये देखिए प्लस और ये है माइनस। अब ये बिल्कुल सही कैसे है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास में सेम ऐसा मोबाइल है, है ना। तो सेम मोबाइल से भी हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे सप्लाई।
अब ये जो सप्लाई हमने चेक की है वो दोस्तों यहाँ से ही की हमने, देखिए जो हमने आपको बताई थी यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी आती है और यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी आती है, और यहाँ पे जो हमने जम्पर लगाए हैं ये वाला और ये, तो यहाँ से भी जब हमने ये वाले मोबाइल से कंटिन्यूटी देखी तो ये कंटिन्यूटी यहीं पे मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये जम्पर लगाया। तो दोस्तों दो तरीके हैं, अगर आपके पास में सेम मोबाइल होता तो उस कंडीशन में आप उस मोबाइल से की मदद से भी आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था माइक का सॉल्यूशन। अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन और है जो कि है कीपैड का सॉल्यूशन, तो हम आपको वो भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक का सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो हमने बताई थी आपको वो है कि इसके कीपैड वर्क नहीं कर रहे, तो हम इसका कीपैड का सॉल्यूशन भी आपको शॉर्ट तरीका, बिल्कुल ईजी तरीका है जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से कीपैड वर्क नहीं कर रहे। तो इसके अंदर जो कीपैड वर्क नहीं कर रहे हैं दोस्तों, शायद वो क्या है, माइक के पास में जो कीपैड आ रहे हैं वही। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारे कीपैड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ दो तीन कीपैड ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं इसमें, वो भी जो कि माइक के पास में है, जैसे कि ये देखिए स्टार और कौन सा है, ये जो चल रहा है स्टार, स्टार ही एक स्टार वर्क नहीं कर रहा। तो हम इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बताएंगे आपको कॉल टेस्टिंग में। तो पहले हम बैटरी निकाल लेंगे, तो ये कॉल टेस्टिंग में हम एक रेड को ग्राउंड करके जिस पे इसके आउट बॉर्डर पे सप्लाई आ रही है और इन बॉर्डर पे सप्लाई नहीं आ रही, तो हमको कुछ नहीं करना है, आउट बॉर्डर पे एक जम्पर लगा के, देखिए दोस्तों यहाँ पे सप्लाई आ रही है, मतलब आउट बॉर्डर पे इस पर सप्लाई आ रही थी तो आउट बॉर्डर पे इस पर जम्पर लगा दिया हमने, और उसके बाद में हम इसको पहले ऑन कर लेंगे। अब ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है जो आप इसका इस्तेमाल करके आपके कीपैड का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको जम्पर वहाँ लगाना जिस पे सप्लाई आ रही है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आउट बॉर्डर पे, और वहाँ से फिर जम्पर लगाने के बाद में चिमटी की सहायता से हमको इस जम्पर को पकड़ के इसके हर किसी के इन बॉर्डर में हमको चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, इन बॉर्डर में मतलब यहाँ पे हैश में जहाँ का इन बॉर्डर है वहाँ से चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जम्पर लगा दे।